ईरान और इसराइल के बीच जंग की शुरुआत होने वाली है, जिसकी तस्वीर काफी भयानक होगी। लेकिन अगर ये जंग हुई तो क्या सारे मुस्लिम देश ईरान का साथ देंगे, और आखिर इसराइल के साथ कौन सा देश खड़ा होगा? ये सवाल बड़ा है। सवाल ये भी कि भारत इस जंग में किसका साथ देने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। इस वक्त मिडिल ईस्ट के दो देश युद्ध के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं, और कहा जा रहा है कि अगले दो दिनों में ईरान इसराइल पर हमला करने वाला है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की तैयारी चल रही है। ऐसे में भारत, अमेरिका, फ्रांस समेत 6 मुल्कों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी को जारी कर दिया है, और दोनों देशों की यात्रा करने से बचने को कहा गया है। दरअसल सीरिया की राजधानी दमिश्क में 1 अप्रैल को इजरायल ने हमला किया, जिसमें टॉप ईरानी जनरल और 6 सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई। ईरान ने सीधे तौर पर इस हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया, मगर इजरायल ने ना तो हमले की जिम्मेदारी ली और ना ही इस पर कुछ कहा। लेकिन इजरायली जहाजों ने दमिश्क में ईरानी दूतावास पर भी हमला किया। माना जा रहा है कि इस हमले का बदला लेने के लिए ईरान अब अटैक करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ईरान की इजराइल के साथ बढ़ रही तनातनी की वजह से यह सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ता है तो ईरान के साथ कौन से मुस्लिम देश खड़े होंगे। भले ही ईरान की मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब से टेंशन रही है, लेकिन कई अरब मुल्क उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या अगर इजराइल के साथ जंग होती है तो इराक, सीरिया, लेबनान, तुर्की, कतर, जॉर्डन जैसे अरब मुस्लिम मुल्क ईरान के साथ खड़े नजर आएंगे। वहीं मुस्लिम देशों के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जो ईरान के साथ इस जंग में खड़े हो सकते हैं। इन मुल्कों में सबसे बड़ा नाम रूस का है, जो ईरान का सहयोगी है। रूस उस हर मुल्क के साथ खड़ा होता है जिसकी दुश्मनी अमेरिका के साथ रही हो। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है, और यही वजह है कि रूस ईरान को सपोर्ट करेगा। रूस उत्तर कोरिया, चीन और मध्य एशिया के कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे मुल्कों को भी ईरान के पक्ष में खड़ा करवा सकता है। अब सवाल यह भी है कि अगर जंग छिड़ती है तो भारत का पक्ष क्या रहेगा, आखिर भारत किसका साथ देगा, जिसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। भारत उन मुल्कों में शामिल रहा है जो हमेशा से जंग के हालात में तटस्थता की नीति अपनाता है। ऐसा ही इस युद्ध में भी देखने को मिल सकता है। भारत के इजराइल और ईरान दोनों ही मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, जिन्हें भारत जंग के हालात में बिगाड़ना नहीं चाहेगा। अगर जंग होती है तो भारत तटस्थता के रास्ते पर चलते हुए दोनों मुल्कों से शांति बरतने की अपील कर सकता है। खैर, ये तो तय है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग होना तय है, लेकिन अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन सा देश कितना किसका साथ देगा और इस जंग का आखिर परिणाम क्या होगा। लेकिन इस जंग के होने से पहले ही आपको दोनों देशों की ताकत के बारे में श्रेष्ठ भारत बता देगा। लेकिन इस जंग के होने से पहले ही हम आपको दोनों देशों की ताकत के बारे में बता देते हैं कि अगर ईरान और इसराइल के बीच जंग हुआ तो आखिर कौन जीतेगा, क्योंकि किसी भी देश की ताकत से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर युद्ध में कौन विजयी होगा, कौन कितना ताकतवर है। आपको बताते हैं, इसराइल के पास इस वक्त 6,10,000 एक्टिव सैनिक है, ईरान के पास 1,70,000 सैनिक है। डिफेंस बजट इसराइल का ईरान से सबसे ज्यादा है, डिफेंस बजट ईरान का इसराइल के मुकाबले कम है। हवाई ताकत में इजरायली सेना ईरान से आगे है, हवाई ताकत में ईरान इसराइल के पीछे है। इसराइल के पास 612 विमान हैं, ईरान के पास 551 विमान हैं। इसराइल के पास 241 फाइटर जेट हैं, ईरान के पास सिर्फ 186 फाइटर जेट हैं। इसराइल के पास दुनिया के सबसे ताकतवर F-16 और F-35 विमान हैं, ईरान के पास ताकतवर विमान कम है। इसराइल के पास ईरान से कम टैंक हैं, ईरान के पास इसराइल से ज्यादा टैंक हैं। इसराइल के कुल टैंकों की संख्या 1,370 है, ईरान के कुल टैंकों की संख्या 1,996 है। ऑटोमेटिक तोपखाने इसराइल के पास 650 हैं, ईरान के पास सिर्फ 580 तोपखाने हैं। इसराइल के पास 5 पनडुब्बी है, ईरान के पास 2 पनडुब्बी है। वहीं अगर दोनों देशों के पास परमाणु बमों की बात करें तो इसराइल के पास इस वक्त 80 परमाणु बम हैं, जबकि ईरान के पास आधिकारिक तौर पर कोई परमाणु बम नहीं, जिससे साफ है कि परमाणु बम के आधार पर ही इसराइल ईरान को युद्ध में हरा सकता है। खैर,
कौन किसे हराएगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन अगर ईरान और इसराइल के बीच जंग हुई तो उस तबाही का मंजर पूरी दुनिया देखेगी, जिसकी तस्वीर काफी भयानक होगी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।